हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के टॉपिक पर थे, ठीक है, और थोड़ा सा ब्रॉड तो इसका एरिया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो बीच से ही छोड़ना पड़ा करता, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने शायद डिस्कस करा दिया था, लेकिन ये पैरा फिर से डिस्कस करेंगे। एज द इलेक्ट्रॉन्स जिप अलोंग थ्रू द फिलामेंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिप होते हैं पूरे फिलामेंट्स में, दे हीट अप द फिलामेंट एज इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी रिच पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे ही फिलामेंट्स हीट अप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिच पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। व्हेन द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब गेट्स हीटेड, जब फिलामेंट जो होगा लाइट बल्ब का हीट करेगा टू एज हाई एज अराउंड 4000 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, मींस 4000 फॉरेनहाइट, मींस डिग्री सेल्सियस में अगर इसकी बात करें, सो 2200 डिग्री सेल्सियस, इट ग्लोज एंड स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट, ठीक है, ये ग्लो करेगा और हमको लाइट एमिट करने लगेगा, ठीक है। सो द फिलामेंट इज अ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ अ लॉन्ग थिन लेंथ ऑफ द मेटल टंगस्टन, द टंगस्टन वायर इज अरेंज्ड इन अ डबल कॉइल इन ऑर्डर टू फिट इन अ स्मॉल स्पेस, टंगस्टन इज यूज्ड इन नियरली ऑल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स बिकॉज इट हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स 1650 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टंगस्टन का लाइट बल्ब में यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब बहुत हाई होता है 1650 डिग्री सेल्सियस तक ऑफ ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स में, एंड इट डजेंट मेटल इवन, ठीक, और ये जल्दी जल्दा मेल्ट भी नहीं होता है व्हेन इट इज ग्लोइंग, जब ये ग्लो करता है, क्योंकि इतनी हीट थोड़ी नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ड्यू टू फैक्ट दैट द हॉट फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ऑक्सीजन विद इन द बल्ब, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो इसमें एक ऑर्गन गैस भी फिल कर दी जाती है, क्योंकि जो फिलामेंट ग्लो करता है ना, वो अराउंड ऑक्सीजन के ग्लो करता है, तो अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो ये हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, तो इसको ऑक्सीजन से जो डिसकनेक्ट करने का जो एक रोल प्ले करती है, वो इसके अंदर क्या प्ले करती है, ऑर्गन इसके अंदर बल्ब में फिल कर दिया जाता है, और ये फिलामेंट को कूल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। It would burn up and burst to avoid such accidents. Inert gases are used since they don't burn. ठीक है, inert gases में के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये burn नहीं करती हैं, ठीक है, even at high temperatures में, okay. So I think इतनी बात समझ में आ गया होगा। एक एक्टिविटी है यहाँ पे छोटी सी, टू शो दैट हीटिंग अफेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, हीट इलेक्ट्रिक करंट्स को अफेक्ट करता है। सो मटेरियल्स लेने हैं, बैटरी, कंडक्टिंग कॉपर वायर्स एंड अ बल्ब। मेथड, कनेक्ट द बल्ब टू द बैटरी विद द हेल्प ऑफ द वायर्स एज शोन इन द फिगर, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, फील द बल्ब्स विद योर हैंड इनिशियली, पास जाके हम बल्ब्स को फील करेंगे, देन फील द बल्ब अगेन आफ्टर 10 मिनट्स, और हमको 10 मिनट बाद फील होगा कि जो बल्ब्स है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, इनिशियली व्हेन यू टच द बल्ब, जब हम बल्ब को टच करेंगे, इट इज नॉट हॉट, बट आफ्टर 10 मिनट्स द बल्ब फील्स हॉट। कंक्लूजन, व्हेन करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इट गेट्स हीटेड आफ्टर सम टाइम्स, ओके, एंड स्टार्ट्स ग्लोइंग। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट,
ओके, श्वास का टॉपिक भी यहीं रखते हैं और बाकी का नेक्स्ट क्लास में सुबह। टेक केयर।